तुर्की के स्थानीय चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोगान और उनकी पार्टी एके पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राजधानी अंकारा और इस्तांबुल जैसे मुख्य शहरों में हुए चुनाव में तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी सेंटर लेफ्ट रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी सीएचपी ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि कुछ महीने पहले यानी कि 2023 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था एर्दोगान ने उस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी और तीसरी बार चुने गए, लेकिन इसके बावजूद बड़े शहरों के मेयर चुनाव में विपक्षी दल ने उनकी पार्टी को मात दे दी है। 2019 में इस्तांबुल जीतने वाले सेकुलर विपक्ष के नेता इक्रेम इमामोग्लू ने दूसरी बार जीत हासिल की है। इनको 50% से अधिक वोट मिला है और इन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगान की एके पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 10 लाख वोट से हरा दिया है। इमामोग्लू ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन एर्दोगान सरकार ने उन पर रोक लगा दी थी। इमामोग्लू समर्थकों का मानना है कि ये राजनीतिक वजहों से किया गया, क्योंकि एर्दोगान को राष्ट्रपति चुनाव में इमामोग्लू से कड़ी टक्कर और यहां तक कि हार का भी डर था। खुद एर्दोगान का कहना रहा है कि जो इस्तांबुल जीतता है वह तुर्की जीतता है। इस्तांबुल में तुर्की की 18% आबादी रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गौरतलब है कि एर्दोगान जो कि 2003 में प्रधानमंत्री बने, 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे और इसके बाद 2014 में सीधे चुने गए पहले राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने तुर्की की सत्ता संभाली, लेकिन इस सबसे पहले 1994 से लेकर 1998 तक वे इस्तांबुल के मेयर ही थे। राजधानी अंकारा में भी विपक्षी दल ने मेयर चुनाव जीत लिया है। यहां से मंसूर यासव वोटों की गिनती जो कि आधी वोटों की गिनती हुई थी उस समय ही वे 60% से अधिक अंतर से आगे बढ़ गए थे। तुर्की के चौथे सबसे बड़े शहर बुसरा और उत्तर पश्चिम तुर्की के शहर बालिकेसिर में जो विपक्षी दल है उन्होंने वहां भी कामयाबी हासिल कर ली है। वहीं इजमिरस, अदाना और अंतालिया जैसे शहर में भी विपक्ष जो है उसने अपनी जीत को बरकरार रखा है। तुर्की में एर्दोगान के 21 साल के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के लगभग सभी बड़े शहरों में उनकी पार्टी की करारी हार हुई है। हार के पीछे की जो मुख्य वजह है वो महंगाई को माना जा रहा है। मुद्रास्फीति लंबे समय से तुर्की में काफी उफान पर है। कई साल से तुर्की की जो आर्थिक स्थिति है वो खस्ता है। शहरी चुनाव में मिली हार के बाद एर्दोगान ने कहा है कि जो कमियां रही हैं उनको दूर किया जाएगा। 70 साल के एर्दोगान का राष्ट्रपति का जो मौजूदा कार्यकाल है 2028 में खत्म होगा। हालांकि उनके आलोचकों की तरफ से लगातार ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि एर्दोगान जो हैं वो संविधान में बदलाव के जरिए 2028 में फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी के हाथों स्थानीय चुनाव में जिस तरह से करारी हार मिली है उसके बाद एर्दोगान के लिए आगे फिर से लोकप्रियता हासिल करना एक अलग चुनौती होगी। सीएचपी के जो अध्यक्ष हैं ओजगुर ओजेल, उनका ये कहना है कि तुर्की के लोगों ने रविवार के ऐतिहासिक चुनाव के जरिए यही संदेश दिया है कि जो तुर्की की जनता है वो देश में नया राजनीतिक वातावरण चाहती है। तो अब नजर होगी 28 पर, उसके पहले किस तरह के जो कदम है वो उठाए जाते हैं एर्दोगान की तरफ से ताकि इस हार से जो है वो आगे चलकर पार पाया जा सके।